प्रदेश में कांग्रेस स्टूडेंट्स को दूसरी कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग एनएसयूआई ने बुलंद कर दी है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि सरकार ने मांग को नहीं माना और बिना प्लानिंग परीक्षाएं करवाई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रेस वार्ता में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पुनीत तिमान ने कहा कि बाहरी राज्यों की सरकारों ने छात्र हित को देखते हुए कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। ऐसे में जयराम सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि प्रदेश के कॉलेज स्टूडेंट्स को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाए। पुनीत ने कहा कि स्टूडेंट्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रमोट करें। कोविड-19 के केस प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिस तरह सरकार कह रही है कि परीक्षाएं ली जाएंगी जो कि बिना प्लानिंग और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आयोजित की गई, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पुनीत धीमान ने कहा कि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी और एचपी शिमला में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। हमारा मुद्दा जो है छात्रों को प्रमोट करने के लिए है। जैसे देश के बाहर के जो राज्य हैं, राज्यों में जो जिनकी सरकारें हैं उन्होंने छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन छात्रों को प्रमोट किया गया है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसे बाकी राज्यों ने वो निर्णय लिया है, हमारी सरकार भी, हिमाचल की सरकार भी ये निर्णय ले और बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य में का ध्यान रखते हुए उनको प्रमोट किया जाए। देखिए कोविड-19 के जो केसेस हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे, अगर एग्ज़ाम बिना किसी प्लानिंग से किए गए या किसी बिना सोशल डिस्टेंसिंग से एग्ज़ाम किए गए तो वो है कि इसका जो खामियाजा वो भारी भुगतना पड़ सकता है, जिसमें कि काफ़ी परिवार जो हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं। देखिए सरकार हमारी डिमांड नहीं मांगती है तो हमारा यही मुद्दा रहेगा कि जितने भी हमारे एनएसयूआई, प्रदेश एनएसयूआई मिलके और यूथ कांग्रेस मिलके और सीनियर कांग्रेस मिलके हम इस मुद्दे को बुलंद करेंगे और इसको हम प्रदेश एचपीयू जो है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाके हम इसको धरना और प्रदर्शन करेंगे। देखिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के भी एग्ज़ाम कराए और साथ में डिस्टेंसिंग तो बाद की बात है, पहले सिलेबस को कवर किया जाए, जो सिलेबस छोटा हुआ बच्चों का जो अनकम्प्लीट है उसको कम्प्लीट किया जाए, फिर एग्ज़ाम सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू होंगे तो उसमें हम सरकार के साथ हैं।